नहीं नहीं हेमंत सरकार तो वापस आएगा। आप बहुत फेमस हैं और आपका शो हम लोग देखते हैं और बहुत शानदार ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई शक नहीं है। और झारखंडियों के हित में हेमंत सरकार को वापस आना चाहिए। अभी 50-50 है, अभी खाना मुश्किल। फिर से आ रही है हेमंत सरकार, फिर से हेमंत सरकार। तो हम तो आपसे हाँ भैया जी, प्रज्ञा जी है ना? हाँ जी। हाँ, देखते हैं आपको बराबर। हम देखते हैं। हाँ, बराबर देखते चुनाव में क्या अच्छा लगता है? आप बहुत बेबाक बोलती है और बहुत वाजिब बोलती है। माहौल किसके लिए तेज है, जेएमएम के लिए कि भाजपा के लिए? जेएम के लिए इधर तेज है। अच्छा, जेएम का आप बताइए भाजपा का है? भाजपा का है। अच्छा, सुबह भेंट होगी आपका, बड़ी न्यूज देखते हैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अब बिठा जाते हैं, सारा न्यूज आपका देखते हैं कि आपकी सच्चाई के पक्ष में। सोरेन रहेगा, सोरेन रहेगा। वकीलों के लिए क्या किया सोरेन? 7,000 का पेंशन दिया है वकीलों को 65 साल के उम्र में, जो कोई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त धनबाद कचहरी में आ गई हूँ और यहाँ पर लोगों से चुनाव का माहौल जानने के लिए आई हूँ। यहाँ पर आकर एक बात मुझे समझ में आई कि यहाँ पर हर कोई घायल परिंदा है, जो उड़ सका वो ही जिंदा है। आइए और लोगों से बात करते हैं, माहौल जानते हैं कि आखिर चुनावी माहौल कैसा है, कैसन हाल हो भैया? अरे नहीं, हम लोग भोजपुरी नहीं है भैया। नहीं है? नहीं नहीं, आप बहुत फेमस हैं और आपका शो हम लोग देखते हैं और बहुत शानदार ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सब छोड़िए, माहौल क्या है आपके इधर झारखंड में? हेमंत सरकार वापस आ रही है कि इस बार बदलाव का सोचा है? नहीं नहीं, हेमंत सरकार तो वापस आएगा, थोड़ा सा कांटे का टक्कर होगा लेकिन हेमंत सरकार आएगा। देखिए, वकीलों की क्या राय है मैं वो जानने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप लोग तो सब समझ रहे हो ना, आपसे बेहतर कौन बताएगा। तो रिपीट हो रही है कि अब की बार मामला फंसा हुआ है? झारखंड और झारखंडियों के हित में हेमंत सरकार को वापस आना चाहिए। वापस आना चाहिए? ये भाजपा वाले तो कह रहे हैं बड़े भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार कहाँ है तो आपको मालूम ही नहीं है? नहीं, हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम तो पूछने आए। घर की हंडी बिक गई, अभी तक भ्रष्टाचार कहीं पता नहीं चला। सरकारें बदल जाती है रातों रात, विधायक बदल जाते हैं रातों रात, कहाँ से? अच्छा, आपकी बार बांग्लादेशियों का मुद्दा भाजपा लेकर के आई है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा आपके इधर? कोई बांग्लादेशी और ये नहीं है, वो जांच का मामला था और वो केंद्र सरकार के पाले में है, केंद्र ने क्यों नहीं जांच कराई? 10 सालों में कितने बांग्लादेशी बाहर हुए, कितने घुसपैठिए बाहर हुए, कितनों को चिन्हित किया गया? NRC के नाम पर आसाम में क्या खेल हुआ, क्या हुआ उस NRC का जिसको सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश पर कराया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो NRC कराया गया, उस NRC का क्या हुआ, कौन बताएगा उसके बारे में? ये चुनावी जुमले हैं, चुनावी मेंढक हैं, कुछ आसाम से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, अपना सीजन पार होगा, ये लोग चले जाएंगे, चले जाएंगे एकदम। झारखंडी लोग हेमंत सरकार की सरकार बनाएंगे? ओहो, हेमंत झारखंड और झारखंडियों के हित में हेमंत सरकार को वापस आना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? अभी 50-50 है, 50-50 अभी कहना मुश्किल। कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप लोग कुछ तो मतलब माहौल भाप लिए होंगे। हम लोग तो माहौल यहाँ का ही ना बता सकते हैं। आप लोग ना मौसम वैज्ञानिक है भैया, हम लोग तो ये सिर्फ धनबाद का ही बता सकते हैं ना। हाँ, तो चलिए धनबाद का बता दीजिए। धनबाद से तो खैर क्लियर है, बाकी ऑल ओवर अगर बात करेगी, हेमंत सरकार वापस आनी चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो भी दिक्कत नहीं, बदलाव करके देखने का मन तो होगा? ऐसा कुछ नहीं, मन भी नहीं है, बदलाव भी नहीं करेगी? नहीं नहीं, ठीक है, सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक। अच्छा, कैसे हैं? नमस्कार, हाल चाल सब ठीक ठाक? फिर से आ रही है हेमंत सरकार, फिर से हेमंत सरकार। हम तो आपसे हाँ भैया जी आ गए, हेमंत सरकार हम तो आपसे। अच्छा, वो भी मिश्रा जी हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेमंत सरकार फिर से आ रही है वापस? नहीं, तो हम तो आपसे पूछे भी नहीं कि हेमंत सरकार आ रही है। हम तो सुन ही रहे हैं आपका सवाल सुन रहे हैं आपका सवाल सुन रहे हैं आपका। हम सिंदरी असेंबली में है मेरा, और सिंदरी में एकदम बैक कर रहा फिर से। तो इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है कि ये गठबंधन चल पाएगा? ये गठबंधन भारी पड़ रहा है बीजेपी के ऊपर? बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है इंडिया गठबंधन। अच्छा, और फिर से ही जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अच्छा, चलिए, झारखंड के लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल जबान पर है, जो उन्होंने सोच रखा है वो बोल दे रहे हैं फटाफट। आप प्रज्ञा जी है ना? हाँ जी। देखते हैं आपको बराबर। हम देखते हैं बराबर। अभी चुनाव में क्या अच्छा लगता है? आप बहुत बेबाक बोलती हैं और बहुत वाजिब बोलती हैं। अच्छा। इस बात से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आप वाजिब एकदम बोलती हैं। अच्छा, अभी इधर क्या चुनाव में क्या देख रहे हैं? चुनाव में तो देख हेमंत सरकार वापसी हो रही है कि आपकी परिवर्तन देखा है? हेमंत सरकार का तो लग रहा है फिर वापसी होगी। अच्छा,
चलिए आपसे भेंट होगी, आपका बड़ी न्यूज देखते हैं। अच्छा थैंक यू थैंक यू। हम बिठा जाते हैं सारा न्यूज आपका देखते हैं कि आपकी सच्चाई के पक्ष में है और बहुत वाजिब बोलती है, ये बहुत अच्छा लगता है। आप एकदम आपका कोई भी न्यूज होता है हम पूरा देखते हैं, एकदम जेन्युइन काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हम बिठा जाते हैं कभी कभी, जो जो लोग हमको प्यार करते हैं हम बिठा जाते हैं आत्मा की तरह। हम तो देख आपको देख के रुके। अच्छा अच्छा लगा मिलके। चलिए माहौल जान रहे हैं सबसे बात करते हुए, और किधर चला जाए। आइए आइए अनुज, इधर आइए, उधर अंदर चला जाए, आइए। कैसे हैं आप? नमस्कार मिश्रा जी, हाल चाल बढ़िया चल रहा है सब? सब चुनावी हाल जानने आए कि मिश्रा जी अब की बार हेमंत सरकार वापस ला रहे हैं कि अब की बार परिवर्तन करेंगे? ये तो देखिए जटिल जटिल मुद्दा है, जटिल मुद्दा है। और अब जनता अंत तक ले कुछ जटिल जटिल नहीं, जनता धनबाद की बात पूछे तो यहाँ तो भाजपा का जो है सो ये क्षेत्र रहा है, भाजपा जीतेगी। हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, पूरे झारखंड, पूरे झारखंड का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। जो कह देता है कठिन है उसके मन में बात बिल्कुल परफेक्ट होती है। हम समझ गए आपकी भाजपा आ रही है, देखिए चलिए हम समझ लेते हैं सब। कैसे हैं? नमस्कार, क्या हाल भैया? जय झारखंड, जय जय जोहार झारखंड आपको। जय जोहार झारखंड। नाम बताएंगे जरा? बसंत कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, जी क्या हाल है आपकी? हेमंत सरकार रिपीट हो रही है कि अब की भाजपा को लाएंगे, परिवर्तन करेंगे। हेमंत सरकार से यहाँ की जनता खुश नहीं है, खुश नहीं है, है? यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ की जो रोटी माटी की जो बात है, है उस पर हम लोग देख रहे हैं कि विदेशी नागरिकों को यहाँ का नागरिकता दिया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ के यहाँ एक बहुत ज्वलंत। अच्छा, कहाँ है बांग्लादेशी? हम बहुत ढूंढ रहे हैं, हम रिपोर्टिंग करने हैं, बांग्लादेशी कहाँ है? बिल्कुल है, आप संथाल परगना, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि काफी तो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं। आदिवासियों को बांग्लादेशी कह रहे हैं क्या? सबको सबको धर्म परिवर्तन करा करके, सबको धर्म परिवर्तन करा करके एक साजिश के तहत बांग्लादेशी घुसपैठी को झारखंड में प्रवेश कराया जा रहा है। ये जो इलाके आपने बताया संथाल का, ये सब जो इलाके हैं ये तो आदिवासियों का क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, पहाड़ी लोग रहते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या आदिवासियों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आदिवासी छद्म भेष में उन लोगों को आदिवासी बनाया जा रहा है, उन लोगों को आदिवासी एक साजिश के तहत बनाया जा रहा है। आदिवासी तो वहाँ कितने साल से रह रहे हैं, बहुत साल से रह रहे हैं, उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है? वहाँ की जो संख्या बढ़ रही है और वहाँ की नागरिकता जो है तो वो भी देते हैं। बिल्कुल वोट देते हैं तो उनको बनाया गया है ना, हेमंत सरकार की ये सबसे बड़ी फेल्योर है। अच्छा। हेमंत सरकार ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर घुसपैठिए बांग्लादेशी जो हैं सबको यहाँ प्रवास दिलवा रहे हैं, यहाँ पर उनकी नागरिकता दिलवाई। आप अभी तक कितने बांग्लादेशियों से मिले? हम लोग कई बार मिले हैं, हम लोग का मूल गाँव देवघर है, देवघर से साहिबगंज, पाकुड़, वहाँ पर यदि जाएंगे तो आपको काफ़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी मिल जाएंगे। आपके गांव में हैं? बिल्कुल, मेरे गांव में भी है। अच्छा। मेरे गांव में भी हैं, कई परिवार ऐसे आकर के बाहर से आकर के बस गए हैं और वे लोग जो हैं यहाँ की नागरिकता ले चुके हैं। इसलिए धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते चले भैया, आइए। कैसे हैं? नमस्कार, यहाँ बैठने की इजाज़त है क्या? नहीं इजाज़त है तो नहीं बैठेंगे। हाँ एकदम इजाज़त है, तब ठीक है। हाँ सही पहचाने, सही पकड़े हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हाल चाल भैया? बढ़िया। आपके इधर माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? माहौल यूपीए का चल रहा है, गठबंधन का। गठबंधन का चल रहा है? जी हाँ। ऐसा कौन कमाल गठबंधन कर दिया भैया? बहुत सा योजना लाई है सरकार। जेएमएम? हाँ जेएमएम। तो आपकी हेमंत सोरेन की वापसी है? जी हाँ वापसी है। कोई खास वजह? मैया समान योजना, बहुत तरह की योजना लाई है सरकार। योजना लाना तो सरकारों का काम है, लेकिन रिजल्ट के दिन जनता क्या सोच कर बैठी है? क्या योजनाओं के नाम पर सरकार को वापस लेकर आएगी या फिर कुछ और बात है? नहीं, योजना को लेकर आएगी, बहुत बहुत सा रोजी रोजगार दे रही है। अच्छा। हाँ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत। आपको क्या लग रहा है? नमस्कार, जय जोहार, जय झारखंड। हमको आपकी ना तो पूरी भोजपुरी आती है, ना तो हमको झारखंडी आती है, ना तो हमको खोटा आती है, और ना हमको बाकी आती, ना हो आती है। आप लोगों की भाषा में सब मिला जुला के हमने जो सीखा है वही हम बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या लग रहा है कि आपके इधर माहौल किसके लिए तेज है, जेएमएम के लिए कि भाजपा के लिए? जेएमएम के लिए इधर तेज है। अच्छा। जेएमएम का आप बताइए।
भाजपा का है। भाजपा का है? हाँ। अच्छा, जेएमएम का क्यों नहीं, कारण क्या है? क्योंकि जेएम क्षेत्रीय बातों को लेकर उठाती है। हाँ। और भाजपा ये क्षेत्रीय बातों लेकर नहीं उठाती। हाँ। वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करती है, देश की बात करती है बीजेपी। तो आपके हिसाब से ये जो बांग्लादेशियों वाला मुद्दा जो भाजपा उठाई, हेमंत सोरेन कहते हैं कि सारे मुख्यमंत्रियों को हमारे पीछे, एक आदिवासी के पीछे लगा दिए, तो क्या ये बात क्या है, मतलब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं ऐसी। तो ये बांग्लादेशी वाला मुद्दा चल रहा है? हाँ, चल रहा है बांग्लादेशी वाला मुद्दा। है क्या मुद्दा वैसे? कुछ नहीं है, बाहर से लोग आए हैं। कौन आए? बांग्लादेशी लोग आए। अच्छा, इंडिया में प्रवेश कहाँ से आए? बांग्लादेश। बांग्लादेश आए। कब आए? कब आए तो उतनी जानकारी तो नहीं है। अच्छा। लेकिन उनको कैसे आए? बॉर्डर पार कर। बॉर्डर पार करके आए, सरकार की मदद से, गुजरात की सरकार की मदद से आए ऐसे। अच्छा। तो लेकिन बॉर्डर तो केंद्र सरकार के हाथ में है, तो कैसे आगे राज्य की सरकार के, कैसे, मतलब? हर समय केंद्र सरकार पार करके आ गए, जैसे सीमा आई, जैसे सीमा आ गई। हाँ, उसे आते। हाँ, जैसे सीमा आई ना। हाँ, तो इसमें फेलियर किसका हुआ, केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार का? दोनों का, दोनों का। अच्छा, कितने बांग्लादेशी से मिले आप? अरे ईमानदारी से, सच्ची सच्ची। बांग्लादेशियों से कहाँ मिला हमने, हम तो यहाँ रहा कोर्ट में, यहाँ से सारा। क्या बोल रहे हैं? नहीं, बिना तर्क अब जवाब दे रहे हैं। नहीं, भाजपा वाले कह रहे ना कि बांग्लादेशी, तो हम पूछ रहे कहाँ कहाँ है भरे बांग्लादेशी। आप मिले हैं? नहीं, ऐसे तो हमने नहीं मिला है। अच्छा, सुने हैं न्यूज में, सुने हैं समाचार से ज्ञान हुआ। किसने सुने हैं? न्यूज से सुने हैं। न्यूज में कौन बोला? पत्रकार बोलता है। अच्छा, और नेतवा भी तो बोलता है। नेतवा बोलेगा नहीं? अब कौन वाला नेता, नाम ले लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होता। नेता नेता तो सारे अनेक हैं, सबके नहीं ले लेता है नेता। अब नेता का नाम ले लेंगे तो अपना वाला बदनाम हो जाएगा ना, तो नाम नहीं लेंगे हम भैया। चलिए चलिए ना, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसे है आप? नहीं, पहले हम आपसे बात करेंगे, वीडियो बना रहे थे हमारा। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी, कौन भारी, जल्दी बता दीजिए। भारी तो अब यहाँ कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई? हाँ, हेमंत सर, हेमंत भी पीछे नहीं है, बहुत आगे। 19 और 20 में कौन है? 19 कौन, 20 20 तो अभी लग रहा है हेमंत सोरेन। अच्छा, हेमंत सोरेन। और लोगों से बात कर लेते हैं। नमस्कार, कैसे है भैया? वकील साहब लोग जो होते हैं ना, मौसम वैज्ञानिक होते हैं, और मौसम वैज्ञानिकों के पास पत्रकार जब आते हैं तो एकदम ठोस खबर लेकर जाते हैं। आप बताइए, बदलाव होगा आपकी बात? बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव। हेमंत सरकार बदलेगी? एकदम बदलना चाहिए। आप बताइए, बदलना चाहिए सरकार? अच्छा अच्छा, हाँ, रिपीट होगी। कौन बोल रहा भैया, कैसे? नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया, ये साग कौन लेकर आया? ये देखकर लगा कि घर परिवार वाले व्यक्ति हैं, हैं? आप लोग तो हम लोग सेवा ही नहीं करते हैं। है? हम सेवा ही करने के लिए बैठे हैं भैया, बताइए, हाथ जोड़ ले आपके सामने। नहीं नहीं, बताइए ना। अच्छा, क्या माहौल है आपके इधर? हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है। कहाँ के हैं? हम बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल के हैं? अच्छा अच्छा, भैया बताइए जरा, आप थोड़ा बताइए। हम तो बिहार के रहने वाले हैं। हम बिहार के रहने वाले। तो आपके बिहार में चुनाव है? बिहार में कोई बदलाव नहीं रहेगा। सोरेन रहेगा? तो थोड़ा तेज बोल दीजिए। सोरेन रहेगा, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी। कोई खास वजह? अभी तो आप बोल रहे थे भाजपा, अब आप पलट गए। देखो, वोटर ऐसे पलटता है, लेकिन लेकिन वकीलों पलट जाता है, पहली बार सुने। ऐसे पलटेंगे तो न्याय कैसे दिलाएंगे? हम लोग वकीलों के लिए 7,000 का पेंशन अनाउंस किया है सोरेन सरकार। तो अभी तो आप बोले बदलाव होगा भाजपा? नहीं, बदलाव का कोई नहीं। हम लोग कोई बदलाव तो 32 वाले लोग चाह रहे हैं, 1932 खटियानधारी लोग हैं। हम लोग यूपी का है, हम लोग बदलाव नहीं चाहेंगे। हाँ, सोरेन रहेगा। सोरेन रहेगा। वकीलों के लिए क्या किया? 7,000 का पेंशन दिया है वकील लोगों को 65 साल के उम्र में, जो कोई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। पहला स्टेट है, जो पहला मुख्यमंत्री है, वकीलों के प्रति सोच इस तरह का सोच रखा है। चलिए चलिए, देखिए सवाल बहुत बड़े हैं। इस वक्त मैं यहाँ वकीलों के बीच क्यों खड़ी हूँ ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो चीजें आपको टीवी पर दिख रही है ना, वो कितना सच है कितना झूठ है, इसकी भी तो पड़ताल करनी है। क्या कि अब पत्रकार भी तो बदल गए हैं, पत्रकारिता भी तो बदल गई है। जमीन पर खड़े होकर जमीन का हाल बताना, थर्मामीटर लगाकर तापमान जानना अलग बात है, और बड़े बड़े ऐसी कमरों में बैठकर तापमान बताना अलग बात है।